हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और गाइस, आज के यूट्यूब पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ऐसा सामान है, जो है प्रोडक्ट है, जो आपको पूरे यूट्यूब पर बहुत मिलेगा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। लेकिन आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इससे मैक्सिमम देखा जाए तो 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोजेक्टर को रिव्यू करके आपको दिखाया था। साथ ही मैंने उस पर आपको क्रोमाकास्ट को भी रिव्यू करके दिखा दिया, लेकिन हमारे पास बैकग्राउंड नहीं था। बैकग्राउंड के हिसाब से मेरे पास सिर्फ ये दिवाली था, तो मैंने सोचा चलिए इसके लिए पर्दा मैं मंगा लेता हूँ। और आपको अगर प्रोजेक्टर को लेना है तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि आप रिव्यू वीडियो को पूरा देखना। रिव्यू वीडियो को देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राहुल, आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु चैनल। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अभी आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास एक, इसे हटा देते हैं, ये है 2, इसे भी हम हटा देते हैं, और ये है हमारा 3। और ये तीनों प्रोडक्ट आपको पता है मैंने आपको रिव्यू करके दिखाए हैं। ये है हमारा सिंपली प्रोजेक्टर का रिव्यू जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये है हमारा एक साउंड एम्पलीफायर, 4440 का बेस एम्पलीफायर है, जिसे मैंने आपको रिव्यू करके भी दिखाया था। इसे हम करते हैं सिंपली साइड, क्योंकि इसकी वीडियो बनी हुई है तो आप जा करके देख सकते हो। बात करेंगे इसकी और हम इसे अभी रिव्यू करने वाले हैं। बाय द वे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसे मैंने पहले भी रिव्यू लिया हूँ, मैंने इसे रिव्यू किया हुआ है, और अब मैं आपको इसे आपको दिखाऊंगा रिव्यू करके। आपका काम बनता है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी पैकेजिंग पर, तो इसमें हमें देखने को मिलती है 100 इंच का एक प्रोजेक्टर स्क्रीन। और प्रोजेक्टर स्क्रीन को ऐसा वैसा स्क्रीन नहीं होगा, काफी अच्छा क्वालिटी होगा जैसा मैंने फ्लिपकार्ट पर देखा है। अब यहाँ से इसे रिव्यू करते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने पहले कट किया, लेकिन एक बात मैं सच्चाई से बताता हूँ, अभी तक मैंने इसे ओपन करके नहीं देखा है। सिर्फ मैंने इसका जो पन्नी है उसे मैंने रिमूव किया था, मैं देखना चाहता था इस पर सामान असली जो है वो मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है 629, यानी कि 630 रुपये मान सकते हो। और ये कुछ इस तरीके की छोटी सी पन्नी में आया हुआ है, ये छोटा पन्नी तो नहीं, बड़ा पन्नी है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा जहाँ मुझे लगता है। और यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया है, मुझे देखने को मिला है एक यहाँ पर स्क्रेच कूपन। ये देखिए, मैं आपको दोनों कैमरे पर दिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर भी स्क्रेच कूपन देखने को मिल जा रहा है। इस पर लिखा हुआ है स्क्रेच वेल अप टू 200। इसे हम स्क्रेच करेंगे, लेकिन अभी ने बाद में करेंगे, इसे हम साइड रखते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 100 इंची 16:9, यानी ये यूट्यूब के रेशियो का हमें पर्दा मिला हुआ है। तो हम इसे अभी यहाँ से निकालते हैं, और मैं आपको इसका जो हाइट है, क्या वेथ है, चौड़ाई है, वो भी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। अब मैं इसे यह करता हूँ, ये जो हमारा स्क्रीन है ये काफ़ी बड़ा स्क्रीन है, और इसे निकालना इतना आसान नहीं है। तो इसे मैं लगाता हूँ दीवार पर, और दीवार पर लगाने के लिए यहाँ पर देखिए, पहले से यहाँ पर हुक दिया गया है, लॉक दिया गया है, जिस पर हम रस्सी को इससे बांध सकते हैं। क्योंकि जो इसका जो ट्राइपॉड वाला जो आता था, जो स्टैंड वाला आता था, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, लेकिन ये थोड़ा कम प्राइस का है। लेकिन क्वान्टिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, लेदर से ये बना हुआ है, पूरा मटेरियल है। तो चलिए अब इसे सेट करते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो हमारा जो ये वाला जो बैकग्राउंड है, इस पर मैं पर्दे को भी लगाने वाला हूँ, और आपको पूरा म्यूजिक के थ्रू आपको ये पूरा दिखाया जाएगा, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा नॉइस आएगा। तो आप देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा प्रोसेस देखना मैं किस तरीके से लगा देता हूँ।
देख सकते हो जो हमारा जो पूरा स्क्रीन है वो यहाँ पर पूरा लग चुका है। लेकिन अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क वो चल रहा होता है कि हम इस पर जो हम प्रोजेक्टर का भी यूज करने वाले हैं, तो प्रोजेक्टर को किस एंगल पर हम सेट करेंगे जिससे हमारा जो व्यू है वो डायरेक्ट इस पर्दे में ही लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो प्रोजेक्टर है वो 8.5 फीट पीछे होना चाहिए और आपको इसको जो इसका सॉल्यूशन है वो है 16.9 जो हमारा YouTube का साइज होता है। तो उसे हम मेजरमेंट करेंगे और अभी हम कुछ करेक्शन भी इस पे करेंगे और उसके बाद ही मैं आपको इसे टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इतनी मेहनत से, तो आप सभी के लिए मैं कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं। प्रोजेक्टर को सेट करने का काम चल रहा था। आपको इसलिए आप लोग वीडियो में भी देखा कि लाइन कट गया था, मैं वीडियो को वहीं पर पॉज कर दिया था और मैंने काम को रोक दिया। लेकिन अब मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। यहाँ पर रखा हुआ है हमारा प्रोजेक्टर, वैसे मैं पीसी सब पर कनेक्ट कर चुका हूँ। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर पूरा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। प्रोजेक्टर का जो लेंस है उसे मैं निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसे निकाल दिया हूँ। अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्टर भी स्टार्ट हो गया, पीसी हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसे बस हमें सेटअप करना पड़ेगा और इसे थोड़ा जो इसका जो रेजोल्यूशन है उसे हमें पर्दे पर सेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें लाइट्स को ऑफ करना होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्टर है वो अच्छी तरह से यहाँ पर पिक्चर को दिखा रहा है। साइज की बात करें तो मैंने आपको पहले बोला कि इससे 8.5 फीट पीछे रखना पड़ेगा, इसकी दूरी 8.5 फीट मैक्सिमम होनी चाहिए और यहाँ पर मैक्सिमम जो इसका चौड़ाई है दूरी की मान के चले तो वो है 6.5 फीट और मैंने प्रोजेक्टर को लगाया है 5.5 फीट पर क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने यहाँ पिक्चर को देख लिया है, लाइट्स को ऑफ करते हैं और लगाते हैं। इस पर कोई फिल्म तो नहीं चला सकता हूँ, फोटोज को मैं लगाता हूँ जो हमारे यूट्यूब के वीडियोज की है। अब जो हमारा पीसी है ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अभी जो कैमरे की जो लाइट है उनसे आपको थोड़ा क्वालिटी अभी भी कम लग रहा होगा, तो मैं कैमरे की लाइट को भी ऑफ करने वाला हूं। अभी यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टर पर एक फोटो को लगाया हुआ है जो है पूरी तरह से हमारे YouTube का वीडियो है और ये वीडियो फोटो कब का है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने देखा है ये 2020 का वीडियो का एक फोटो है और अभी मैं आपको लाइट को ऑफ करके बताता हूँ। ये देखिए अब आपको क्वालिटी यहाँ पर देखने को साफ साफ मिल रहा होगा। इससे पहले जो मैंने रिव्यू किया था उस पर क्वालिटी आपको कैसा मिल रहा था और अभी क्वालिटी कैसा मिल रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर बताना। और इतनी मेहनत से जो सिर्फ आपसे इसलिए किया जा रहा है तो मैं फोटो को चेंज भी करता हूँ, मैं दूसरा फोटो लगा देता हूँ क्योंकि एक फोटो पर आपको उतना पता नहीं चलेगा। मैं फिल्म को तो नहीं लगा सकता क्योंकि हमें कॉपीराइट भी मिल सकता है, मिलेगा 100% मिलेगा ही। आप यहाँ पर देखो ये हमारा 2020 का एक वीडियो जिस पर मैंने आपको एक इन्वर्टर को किट का मैंने एक वीडियो बनाया था और ये इन्वर्टर मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। जिन भाइयों का कमेंट है कि ये इन्वर्टर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इन्वर्टर अभी भी काम कर रहा है, ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और भी मैं अलग अलग चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोटो में दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा एक और फोटो है जिस पर मैंने आपको घड़ी को रिचार्ज जेवर बना करके दिखाया था और ऐसा नहीं ये वर्क नहीं कर रहा, ये सभी सोचिए कि कितनी पुरानी फोटो है 2020 की ये सभी फोटो है और प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। वैसे कैमरे पर जब आप देखते हो तो कैमरे पर आपको थोड़ा ज्यादा क्वालिटी देखने को मिलता है, लेकिन जब आप इसे ओरिजिनल आपको देखोगे तो आपको ना आपको 4K की प्रॉब्लम होगी ना उससे ज्यादा की प्रॉब्लम होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें दिखेगा HD से भी बहुत ज्यादा, तो 4K से भी ज्यादा क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अब आपका काम यही बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। मैं आपको प्रोजेक्टर को भी दिखा देना चाहता हूँ, जो इसका जो स्क्रीन है वो भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन को चेंज कर दिया हूँ, स्क्रीन पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई है।
और इसका जो साइज है वो छोटा है। अगर मेरा स्क्रीन थोड़ा बड़ा होता तो मैं आपको ये पूरा दिखा देता, लेकिन यहाँ पर साइज जो इसका छोटा पड़ गया, तो वो आप लोग देख लेना। अगर आप चाहते हो इसे बड़े स्क्रीन पर चला करके दिखाओ, तो उसके लिए आपको बस एक टारगेट पूरा करना होगा। इस वीडियो पर आपको 500 लाइक आपको देना होगा, बस ये टारगेट आपको पूरा करना होगा और ये मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिले किसी के साथ न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।